बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम परेशानियों को दूर करे। अभी जी हम रोड पर खड़े हुए हैं, रोड पर खड़े होने के भी एक रीज़न है यहाँ पे। तो हम जा रहे थे शहर और घर में मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया और मुझे याद भी नहीं रहा। जल्दी जल्दी हमने तैयारी की है और साथ मेरी सिस्टर है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे घर में एक बहुत स्पेशल और बहुत दूर से मेहमान आया, मेरी सिस्टर हैं और इनके भाई हैं। इनके भाई जो है ना पहले यहाँ पर काम करते हैं, आपने कल वीडियो में देखा, तो समझ ले कि हमसे भी मिलने आई है खाने वाल से और इनके भाई हैं उनसे भी, भाई के साथ ही आई थी अपने भाई के साथ। तो तकरीबन जो है ना इन्हें 4-5 दिन यहाँ पे होने वाले हैं, हमारे घर रुकी हुई हैं। हमारा घर इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, हमारे पहले ब्लॉग देखती थी, लेकिन जब सिस्टर को पता चला कि भाई वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर किश्वर लोग रहते हैं, तो सिस्टर इतनी बेचैन होगी, भाई को कहती हैं कि भाई मुझे वहाँ पर ले चले आप लोगों, जहाँ भाई काम करते हैं ना हमारा घर उनके साथ ही है। तो जी अब स्टोरी जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। अभी शहजाद मैं और सिस्टर हम जा रहे हैं सिटी। मैंने सिस्टर से कहा कि आज हम आपको अपना शहर दिखाते हैं। अच्छा जी, सिस्टर ने कहा कि मैं जो है ना आ जाती हूँ कैमरे में। सलाम कर लें। अस्सलामुअलैकुम। जब घर जाएंगी ना तो फिर ब्लॉग देखेंगी और मिस करेंगी कि मैं किश्वर के साथ थी, ब्लॉग में आई थी, फिर खुद को देख के ना वो ज़रा अच्छा फील करेंगी। तो अभी शहजाद जो है ना वो यहाँ पे रोड पर फट्टा लगा हुआ था जहाँ पर बड़ा गोश्त होता है, तो शहजाद ने कहा कि गोश्त का कहते जाते हैं ऐसा ना कि वापस आए और गोश्त ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे लिए बचे ना। वो अभी साथ इधर खड़े हैं, गोश्त का कह रहे हैं फिर वापसी पे हम लेते जाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं जी सिस्टर को अपना सिटी दिखाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सिस्टर, जब से यहाँ पर आई हैं ना सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतनी हैप्पी है। कहती मैं इन पल इन लम्हों को इतने अच्छे से जी रही हूँ ना, मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं सिस्टर कि मैं किश्वर के पास आ गई। और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा सिस्टर को पसंद आया। काफ़ी मेरी बहनें हैं जो मिस करती हैं और इस बात की ख्वाहिश रखती हैं कि हम किश्वर के घर जाएं, किश्वर से मिलें और जो है ना यहाँ का विलेज देखें। आपको पता है कि विलेज का माहौल कितना प्यारा लगता है, ख़ासतौर पर जो प्रदेश में रहते हैं, जो सिटी में रहते हैं ना उनको चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी जो मैं आपको दिखाती हूँ कि शहजाद साहब कहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर ना बड़ा गोश्त सिर्फ यहीं पर होता है, ये सामने खड़े हुए जी शहजाद साहब। और हमारे यहाँ सिर्फ ना यहीं पे मतलब करीब फटा लगता है जहाँ पे बड़ा गोश्त होता है, बाकी चिकन होता है, लेकिन चिकन हमने कहा आज नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे जी बड़ा गोश्त। और साथ ही भी यहाँ पे लगी हुई है लेबर आलूओं की, वो ना इसमें सही से निकाल रहे हैं, जो ख़राब होंगे उनकी फिर छांटी वो कर रहे हैं। इतनी गर्मी में लड़कियाँ लड़के सब लगे हुए हैं और यहाँ पे पता नहीं कब आएंगे शहजाद साहब। और हम रोड पे खड़े हुए, जब भी बस वाला गुजरता है वो कहता है कि बैठना है दीदी, मैं कहती हूँ कि नहीं हमने नहीं बैठना। अभी हमने सिटी में एंट्री की है और मुझे इतनी शिद्दत से प्यास लगी हुई बहुत ज़्यादा, और मैंने शहजाद साहब से कहा है कि कुछ पी लें। अभी हम दूध वाली बॉटल यहाँ से पूछते हैं। और ये भी फालूदा की शॉप है जहाँ से सब कुछ अवेलेबल, मतलब ठंडी जो चीज़ें होती हैं। और इस तरह का कुछ सुंदर का माहौल है यहाँ पे। नहीं चल रहा, वो वाला चल गया, अब ये चल गया। तो ये है जी दूध की बोतल जो कि स्टिंग में उन्होंने डाली हुई है और काफ़ी अच्छा दूध होता है, इसके अंदर बादाम वगैरह डाले होते हैं। लेकिन सब पियेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह का है जायका इसका। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम कपड़ों वाली शॉप पे आ चुके हैं और अभी जो है ना ये तो पापा जान देख रही हैं सूट। जब हम घर से लेके आए ना तो मैंने सिस्टर को नहीं बताया, अभी हम मुंडली सूट लेने जा रहे हैं, तब आना नहीं था। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना तो एकदम से कहते हैं मेरे लिए, मैंने कहा हाँ जी आपके लिए लेना है सूट और आपने अपनी मर्ज़ी से प्यारा सा देख लें। अभी पसंद कर रही हैं और कहती हैं ब्लैक कलर में पसंद है, लेकिन जो नीचे वाली कैपरी होती है ना इसका काफ़ी मसला आता है, आपको पता है इसका रंग है ना वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। और अभी फ़िलहाल सिर्फ ब्लैक में ही च्वाइस है सिस्टर की, कहती हैं कि ब्लैक 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 में दिखाएं, मुझे खुद को ब्लैक बहुत पसंद है। और देखें जी कितनी ज़्यादा ब्लैक हो चुकी है। हाँ जी
ये शलवार भी प्रिंट है। हाँ जी हाँ जी, प्यारा है ना ये तो, पहनने के बाद पता चलता है ना कितना प्यारा लगता है। यहाँ पे इतने सारे होते हैं फिर वो समझ नहीं आती कौन सा करें। ये कितने में है? और ये नीचे जो पहले सेम रेट सेम वहाँ पसंद कर लें। ओ ये ऐसे ही कहते हैं, बाद में फाइनल कर लेंगे, फिलहाल तो हमने एक ही करना है। इन्होंने आधो आध ज़्यादा जो पसंद है वो डिसाइड करें, प्राइस के बाद में हम करेंगे फिर। इन्होंने ऐसे प्राइस बताए, मुझे ये पसंद है लेकिन इसके साथ इसकी शलवार का है ना प्रॉब्लम। ये मोटी है देखिए, ये सही है फिर भी। ये चले आप ये लगा रहे हैं ना, ये वाली इसका कलर नहीं है, दो ही डिफरेंट नहीं है, सेम कलर है। निकाल नहीं धुलाई होने के बाद ना हल्की सी घास होती है वो उतर जाएगी, समझ रहे हैं बात। क्रेप दुपट्टे में देख लें ब्लैक, क्रेप दुपट्टे में नहीं वो टिकते नहीं है। वो डायमंड दुपट्टा जो है ना वो भी काफी अच्छा है, वो भी तो पड़े हैं ब्लैक है या कौन सा कलर नॉर्मल चीज आ जाएगी। हां जी वो फिर नॉर्मल आ जाएगी। नहीं वो जो चले में डायमंड दुपट्टे में, डायमंड दुपट्टे में ये डायमंड दुपट्टा इसी को कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप ही को सूट पसंद आ गया और वो भी ब्लैक में, काफ़ी ज़्यादा हमने देखे हैं लेकिन आप ही को ना ब्लैक में ही पसंद आया है। हाँ जी आप ही की पसंद बहुत अच्छी है, ये देखें। अभी जो है ना पैसे हमने दे दिए हैं, रेट भी फाइनल हो गया है और ये तो आपस की बात होती है फिर, और मैं इस दुकान पर ही आती हूँ। वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये एक ज़्यादा मुनासिब भी। सूट लेने के बाद अभी हम आ गए हैं जी, दुपट्टे को लैस लगवानी है यहाँ से और अपनी ने ना लैस भी पसंद कर ली है। ये वाली लैस हम लगवा रहे हैं, ये अपा ने खुद पसंद की है और उन्होंने कहा कि ज़रा गुम लैस लगाइएगा। पहले हमने स्टॉलर जो है ना उसे पिको करवाया है और अब दुपट्टा अल्हम्दुलिल्लाह जी जो चीज़ें हमने खरीदनी थी खरीद ली हैं और शहजाद साहब बेचारे अब आए हैं, इनको हमने कहा था कि आप वेट करें और हम चीज़ें खरीद के वापस आते हैं। और यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉस्मेटिक है और आपा के पास जो है ना इन्होंने ये कपड़े वगैरह उठा लिए। हाँ जी चले, ज़्यादा गर्मी है सब कुछ खरीदने के बाद अभी जी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, पी तो हमने लिया था पहले ही और अभी खा लेते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि बन्नू बीफ पुलाव ये हमारा फेवरेट है और हम यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद आए हैं, काफ़ी दिनों बाद नहीं काफ़ी महीनों बाद, काफ़ी महीनों बाद, मतलब माह रमज़ान में तो वैसे ही आते थे लेकिन आपको पता है कि रोज़े होते थे फिर बंदा नहीं खा सकता था। अभी जी अंदर एंट्री करते हैं। और ये लेडीज सेट बना हुआ है पीछे जेंट्स। सबसे पहले तो आप ठंडा पानी मंगवा दें। अच्छा इन्होंने हमें छोड़ दिया था कि आपने जो भी चीज़ें खरीदनी है ना खरीद लें और फिर जब फ्री हो जाएं तब कॉल कर दीजिएगा। फिर इन्होंने अपना मोबाइल मुझे दे दिया क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं था और आप ही जो है ना आप ही भी अपना मोबाइल घर रख के आ गई हैं। फिर इन्होंने अपना दिया कि आप कॉल कर लीजिए लेकिन उन्होंने फिर खुद ही कॉल कर ली अपने किसी दोस्त के पास थे। और ये हम सादक वालों से कुछ चीज़ें हमने खरीदी हैं। हाँ जी देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो आज हमने वैसे तो पहले हम खाते हैं लेकिन हमने कहा कि आपा को यहाँ पे लेके आते हैं और हमारे दुबालपुर के बीफ पुलाव जो है ना काफ़ी मिस करेंगे तो अभी भी खाते हैं। और लुक से आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और जायका मुझे ना नॉर्मल सा इतनी तीखी चीज़ होती है ना वो वाली नहीं है, नमक तेज़ नहीं है, नमक मिर्चें भी बिल्कुल ऐसे जैसे वो इसका
होता है ना जब हम गोश्त बॉयल करते हैं उसके अंदर जो पानी होता है ना, बस वही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो अभी जी खा लेते हैं और फिर करी को मेरे वाना होते हैं। छोटा नहीं है कि सही है? अभी हम ब्रश ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हमारा समझ लें कि रोज़ का काम होता है, पोछा वगैरह हमने लगाना होता है और फिर वो कपड़े से लगाते हैं ना तो उससे लकीरें लग जाती हैं, अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा चले छोटे भी ले लेते हैं ब्रश और बड़े वाला ब्रश भी ले। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर हम वापस आ चुके हैं और थोड़ा सांस ले लो, मैं बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं। सिस्टर तो आते ही अंदर पंखा चला लिया उन्होंने और मैंने कहा चले जी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं घर पहुँचाई हूँ खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी। और जैसे घर में आया ना ऐसे सुख की सांस आई है और काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्री की छाव है ना और यहाँ पे आके ना काफ़ी ज़्यादा सुकून आ रहा है। अभी ठंडा पानी पीते हैं, घड़े का ठंडा पानी पीना है हमने और आगे थक गए। मैं अपनी थकता हूँ, हम तो थक गए हैं, औरतें ज़्यादा थक जाती हैं क्योंकि औरतें सर ज़्यादा खपाती हैं ना इसलिए। तो अभी जी रेस्ट करते हैं और फ़ौरन से ऊपर रखते हैं जी गोश्त, क्योंकि गोश्त हमने पहले वो बॉयल करना है गलने के लिए रखेंगे, उसके बाद उसकी भुनी लगनी है तो ये भी काफ़ी इस पर टाइम लग जाना है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये काम करते हैं उसके बाद फिर रेस्ट कर लेंगे। गोश्त में ना शहर से वापस आते ही फौरन मैंने ऊपर गोश्त रख दिया था, क्योंकि मैंने कहा टाइम भी लगना है और ये अभी तक गला नहीं है। कट्टे का है? यस हाँ, थोड़ी देर लगेगी फिर अगर कट्टे का है तो। बकरे का होता फिर वो तो मटन इतना इजी गल जाना था, तो ये तकरीबन आधे से अभी कम गला है। और मैं यहाँ पे मसाला जो खाना वो अलग अलग कर लेती हूँ। और इतनी यहाँ पे तपस्या है, इतनी गर्मी है, लेकिन मक्खियों को ना गर्मी लगती ना इनको जो है ना वो आग से फ़र्क पड़ता है ना धुएं से फ़र्क पड़ रहा है, फिर भी तंग कर रही हैं। अभी ये मसाले जो है ना ये सारे अलग अलग कर लेते हैं और जब तक गोश्त तैयार होता है गलने में तब तक मसाले साथ तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो लहसुन अदरक जो है ना ये मैंने छील लिया है, उसको धो के पीस लेते हैं और ये सारे मसाले बाहर निकालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह शबाबा बड़ा बड़ा माशाल्लाह। अब्दुल्ला उदास हो गए थे आप? उदास हो गए हो मम्मा से हैं अब्दुल्ला? अब्दुल्ला कितना उदास हो गए हो? कितना उदास हुए मम्मा से? आ? मम्मा से कितने उदास हुए? इतने ज्यादा हो गए हो? आ. अच्छा दादी को मिलो, दादी दादी, दादी को मिलो, दादी करती है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं उधर चली गई थी उधर घर में, दादी मैं कहां गई हुई थी उधर घर में, मैं दवाई लेने गई हुई थी। दादी मेरे को दवाई लेने भेज दे रहा करो। दादी मैं पक्के घर में गई हुई थी। भाई किधर है? आ किधर? ये मेरा है, ये मेरा है, तेरा। अच्छा जी काफी देर हो गई हमें गोश्त बॉयल करते करते और अब जाके सही तरह से गला है। सूरज ग्रुप हो चुका है
और गर्मी अभी तक बनी हुई है, शाम होने वाली है और मक्खियाँ जो है ना, बस अब मक्खियाँ गई इस टाइम के बाद जो है ना, शाम होने के बाद मतलब मक्खियाँ गायब हो जाती हैं और फिर आ जाती है बारी मच्छर की जी। फिर मच्छर ने जो है ना वो अपना जैसे अपनी ड्यूटी, रात की ड्यूटी मच्छरों की होती है और दिन की ड्यूटी होती है जी मक्खियों की। प्याजों को और लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनने के बाद अभी इसमें लहसुन कैरी लाल टमाटर चलने डाल दी। शाम जो ना वो हो चुकी है और हर तरफ अंधेरा जो ना वो छाना स्टार्ट हो चुका है। इस साइड पे सूर्य ग्रूब हो गया था और अभी आपको किसी परिंदे की किसी की भी आवाज़ नहीं आएगी, सिर्फ इंसानों की आवाज़ें आएंगी। अब्दुल्ला क्या लेने आयो? क्या बोटी लेने आयो? तो अच्छी तरह से मैंने घूम ली, अच्छी तरह से ताकि ग्रेवी से अच्छी आने की बनी जाए। हल्दी मैंने शामिल कर ली है, उसको बना आधा चम्मच काली मिर्च का। हाँ जी चूल्हा जैसा ना तंदूर तक जाता है वैसे दिखाना वो लग रहा है, इतनी ज्यादा आग जली है या फिर आग देखें कितनी ज्यादा हो गई है। अबू जान की रोटी जो है ना ये तैयार हो गई है और अबू सिर्फ एक रोटी, थोड़ी भारी होती है लेकिन ये रोटी खाते हैं। आज हम सिटी गए हुए थे इसलिए लेट होगी और अबू जान को भूख लगी हुई थी, बाकी तो कहते हैं कि हमने दोपहर को खा ली थी और अबू जो है ना वो दोपहर को रोटी नहीं खाते हैं इसलिए। तो जल्दी जल्दी से मैंने अबू जान की सबसे पहले रोटी तैयार की और सालन की लुक जो है ना वो कुछ इस तरह से है। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना हमारा तैयार है और सिटी से वापस आते ही फ़ौरन से मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया और अभी जो है ना मेरा सर दर्द से फट रहा है, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रही है क्योंकि शहर की कुछ थकावट थी। और फिर मैंने कहा कि भगवान को भूख भी लगी हुई, आज काफ़ी लेट भी हो गई है और आपको पता है कि जो बीफ होता है ना बीफ पहुँचती है काफ़ी इस पर टाइम लग जाता है। तो अभी जी खाना खा लेते हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि वैसे बेहोश हो जाऊँगी। ब्लॉग एंड करते हैं जी, आप सब अपनी नेक दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज मुझसे एंड नहीं हो रहा आज आप इसे कहते हैं कि वो वीडियो कांड कर दें, आप सबसे अलाउ कर दें मेरा, तो मुझसे अपनी एंड आ रहा है अलाउ।